हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अमेजिंग एंटरटेनमेंट। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं मदनलाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 20 सितंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम, हेलो टैक्सी स्कैम और ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स लिमिटेड के मामलात में खास जानकारी देने के लिए, और ये जानकारी राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। वैसे तो प्रभावित तो ये पूरे देश को करेगी, पूरे देश के ठगी पीड़ितों को करेगी, और इसका लाभ वो केवल बाइक बोट हेलो टैक्सी, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड या ब्लू फॉक्स मोशन के लोगों को ही नहीं मिलेगा, अपितु तो जितनी भी ठग कंपनीज हैं, सहारा इंडिया, PACL, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोक हित, टॉप राइड, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, वाया इंडिया, स्ट्रीट हॉक्स, मशरूम इंडिया, श्योरगेन, प्रयाग, रामेल, प्रिया परिवार, ये जितनी भी इस तरह की हैं, एस पे, जैन पे वगैरह, जो भी ठग कंपनीज, ठग सोसाइटीज हैं, उन सभी के विक्टिम्स को इसका लाभ मिलेगा। जो कार्य आज हमने ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन के ठग मुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन के तहत किया है, तो दोस्तों आज हमने महामहिम उपराज्यपाल दिल्ली को, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली को, पुलिस आयुक्त दिल्ली को और माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर उनसे मांग की है कि वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सक्षम प्राधिकारी और स्पेशल कोर्ट्स का गठन अविलंब करके तमाम ठगी प्रकरणों में स्पीडी ट्रायल करवाएं, और जो भी पीड़ित भाई बहन हैं, निवेशक हैं, जमाकर्ता हैं, उनकी मेहनत की डूबी हुई रकम को अविलंब उन्हें वापस दिलाएं। और साथ साथ चूंकि हमने बाइक बोट टैक्सी स्कैम, हेलो टैक्सी स्कैम, ब्लू फॉक्स मोशन स्कैम और राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड स्कैम में दिल्ली में मुकदमे दर्ज करवाए हुए हैं, और ये चारों मुकदमे 21 फरवरी 2019 के बाद दर्ज हुए हैं। इसलिए नियमतः कानून के अनुसार इन तमाम चारों मुकदमों में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के धाराएं लागू होनी चाहिए, और इनका जो ट्रायल है वो भी इसी एक्ट के तहत होना चाहिए। तो हमने ये मांग भी प्रमुखता से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर और फाइनेंस मिनिस्टर के समक्ष रखी है कि इन कम से कम इन चारों मामलों में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की धाराओं को ऐड किया जाए और इसी के तहत इनमें ट्रायल कंप्लीट करवाया जाए। साथ साथ हमने ये मांग भी प्रमुखता से की है, क्योंकि ये चारों मामले इंटर स्टेट मामले हैं, इसलिए इनकी जांच भी CBI के हवाले होनी चाहिए। चूंकि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 में ये प्रावधान है कि जो इंटर स्टेट मामले हैं, जिन ठगी प्रकरणों में एक से अधिक राज्यों के लोग प्रभावित हुए हैं, या जो करोड़ से ऊपर जिनमें रकम है वो ठगी गई है, तो ऐसे मामलों को स्वतः ही CBI जांच के लिए रिकमेंड कर देना चाहिए, CBI को सौंप देना चाहिए। तो विस्तार से एक बड़ा मेमोरेंडम बना करके आज दिल्ली के महामहिम लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री, दिल्ली के पुलिस आयुक्त और फाइनेंस मिनिस्टर को इन तीन मांगों के संदर्भ में सौंपा है। मैं आपको ये मेमोरेंडम पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आप तमाम साथियों की ये विस्तार से समझ में आ जाए। दोस्तों ध्यान पूर्वक सुनेंगे पूरा इसे, और जो लोग थोड़ा होशियार होंगे, ध्यान केंद्रित
करके अगर इसको पढ़ लेंगे तो वो अपनी अपनी अन्य कंपनीज के संदर्भ में भी इस मेमोरेंडम को कन्वर्ट करके भेज सकते हैं अपने अपने राज्यों के सीएम को और पुलिस प्रमुखों को और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को। तो सुने दोस्तों, इसमें लिखा है कि सेवा में महामहिम उपराज्यपाल दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली, श्रीमान पुलिस उपायुक्त दिल्ली, केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार। सब्जेक्ट द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू करवाने हेतु और बाइक बोट, हेलो टैक्सी, ब्लू फॉक्स एवं राधा माधव ठगी मामलों की जांच सीबीआई से करवाने के संदर्भ में आवेदन। महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि भारत सरकार ने द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 और द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स रूल्स 2020 को अधिसूचित कर दिया है। इन ब्रैकेट एक्ट पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा पीटी सेकंड सेक्शन 1 नंबर 40 डेटेड 31 जुलाई 2019। इस दिन इस एक्ट को नोटिफाइड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। रूल्स वाइड एसओ 663E 12 फरवरी 2020 पब्लिश्ड इन द गजट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा पीटी सेकंड सेक्शन 3 सेकंड नंबर 604। महोदय, उक्त अधिनियम का उद्देश्य गैर कानूनी जमा योजनाओं को प्रतिबंधित करना और जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण करना है। एक्ट की धारा 28 के तहत कारित प्रत्येक अपराध संगीन और गैर जमानती है। एक्ट की धारा 18 में डेजिग्नेटेड कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है कि वह 180 कार्य दिवस में ट्रायल कंप्लीट कर कानून का उल्लंघन करने वालों की चल अचल संपत्ति को सक्षम प्राधिकरण के द्वारा नीलाम करवाकर जमाकर्ताओं का धन वापस कराएगा और दोषियों पर ठगी गई रकम के 2 गुणे से 3 गुणा तक जुर्माना अधिरोपित करेगा और उन्हें 10 वर्ष तक का कठोर दंड देगा। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक इस कानून को दिनांक 21 फरवरी 2019 से प्रभावी बनाया गया है। कानून के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को भी वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में दूर कर दिया है और तमाम केंद्र शासित एवं दूसरे प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि अब सभी प्रदेश एवं केंद्र शासित राज्य व केंद्रीय संस्थान उपरोक्त कानून को अपने अपने न्यायिक क्षेत्र में क्रियान्वित करें। इस कानून की निगरानी के लिए बनी संसदीय समिति ने राज्यों के ढुलमुल रवैये पर असंतोष जाहिर किया है। लाखों करोड़ों नागरिक अनियमित जमा योजनाओं के झांसे में आकर अपनी मेहनत की जमा पूंजी को ठगों के हाथों गंवा बैठे हैं। अनियमित जमा योजना चलाने वाले ठगों और उनकी कंपनी एवं निगमों सोसाइटी के विरुद्ध दिल्ली में सैकड़ों मुकदमे 21 फरवरी 2019 के बाद दर्ज हुए हैं, किंतु पुलिस ने किसी भी एफआईआर में उपरोक्त एक्ट की धाराओं को नहीं लगाया है जो कि इस कानून का उल्लंघन है। कानून की धारा 30 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सक्षम प्राधिकरण की सूचना पर ऐसे सभी मामलों में जाँच करने का अधिकार दिया गया है जो एक से अधिक राज्यों के पीड़ितों को प्रभावित करते हैं या उनमें ठगी की रकम करोड़ से ज्यादा है। इस पत्र में मैं आपको ठगी के 4 मुकदमों की जानकारी दे रहा हूं, जिनमें से 3 दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज हैं और चौथा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना बेलकम में दर्ज है। एफआईआर नंबर 123/2019 बाइक बोट टैक्सी स्कैम ईओडब्ल्यू थाना दिल्ली, 89/2019 हेलो टैक्सी स्कैम ईओडब्ल्यू, 28/2020 ब्लू फॉक्स स्कैम ईओडब्ल्यू और चौथी एफआईआर है 651/2020 राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड स्कैम थाना बेलकम उत्तर पूर्वी दिल्ली। उपरोक्त चारों मुकदमे 21 फरवरी 2019 के बाद दर्ज हुए हैं जो उक्त कानून में कवर्ड होते हैं। राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाली एफआईआर जो थाना बेलकम में दर्ज है उसमें तो बाकायदा इस कानून के उल्लंघन का जिक्र शिकायतकर्ता ने किया है, फिर भी पुलिस ने एफआईआर में एक्ट की धाराएं नहीं जोड़ी हैं। अतः चारों मामलों में उक्त कानून की धाराएं अविलंब जोड़ने के निर्देश पुलिस को दें।
उक्त एक्ट के अनुसार इस एक्ट का उल्लंघन करने के संदर्भ या अपराध में दर्ज किसी भी मामले की जांच थाना अधिकारी के रैंक से कम रैंक वाला अधिकारी नहीं कर सकता। उपरोक्त चारों मुकदमे जिन कंपनीज के विरुद्ध दर्ज हैं वह बहुराज्यीय मामले हैं और इनमें पूरे देश के लाखों नागरिकों की मेहनत की कमाई को ठगों ने हड़पा है। हजारों पीड़ित इन स्कैम्स में फंसकर आत्महत्या कर चुके हैं। बाइक बोट हेलो टैक्सी स्कैम्स में हमारे देश के करीब 2,00,000 सैनिकों को ठगी का शिकार बनाया गया है और फर्जी रक्तदान शिविर लगाकर उनका ब्लड निकालकर विदेशों में बेचा गया है, जिस कारण ये मामले और भी ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं। इसलिए ये मुकदमे CBI जांच के योग्य हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उपरोक्त एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकरण, सक्षम प्राधिकारी और डेजिग्नेटेड कोर्ट्स का गठन करवाएं और उपरोक्त चारों FIR को CBI को ट्रांसफर करवाकर समस्त पीड़ितों की डूबी हुई रकम को वापस करवाने की कृपा करें। प्रार्थी एवं समस्त पीड़ित सदैव आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। भवदीय मदनलाल आजाद, संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। मोबाइल नंबर 7827581213। दोस्तों, आज ये विस्तृत मेमोरेंडम सरकार को और उसकी एजेंसीज को सौंप दिया गया है। उम्मीद है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट 11 नवंबर को हमारी रिकवरी रिट पटीशन पर सुनवाई करेगा, उससे पहले दिल्ली सरकार, दिल्ली में कंपिटेंट अथॉरिटी, कंपिटेंट ऑफिसर, डेजिग्नेटेड कोर्ट्स और स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था कर देगा और इन चारों मामलों में कम स्पीडी ट्रायल आरंभ हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके खिलाफ हम 1 जनवरी 2022 से राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर रहे हैं। आपको इस विषय में पहले भी मैं बता चुका हूं। दूसरी सूचना ये है दोस्तों कि हम 2 अक्टूबर 2021 को गांधी जयंती के दिन राजघाट गांधी जी के समाधि स्थल पर सुबह 9 बजे मौन सत्याग्रह करेंगे और उस दिन भी महामहिम उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पुलिस कमिश्नर दिल्ली को मेमोरेंडम दे करके अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को दिल्ली में लागू करने की मांग करेंगे। अतः इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं तमाम साथियों को ये अनुरोध करता हूं कि वो 2 अक्टूबर 2021 को सुबह 9 बजे राजघाट गांधी समाधि पर आकर इस सत्याग्रह में सम्मिलित हों और 2 अक्टूबर के बाद निरंतर हम हर राज्य में अलग अलग कंपनीज ठग सोसाइटीज को लेकर इसी तरह के कार्यक्रम करेंगे। मौन सत्याग्रह के माध्यम से वहां की सरकारों को विस्तृत मेमोरेंडम सौंपेंगे, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, हिमाचल की हो, पंजाब की हो, हरियाणा की हो, उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, बिहार की हो, छत्तीसगढ़ की हो, झारखंड की हो, गुजरात की हो, महाराष्ट्र की हो, उड़ीसा की हो, कर्नाटक की हो, बंगाल की हो या किसी अन्य राज्य की, तमाम राज्य सरकारों को हम मौन सत्याग्रह के माध्यम से इसी तरह से सहारा इंडिया, PACL, श्योर गेन, स्ट्रीट हॉक्स, अपना साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, वाया इंडिया, मशरूम इंडिया, एवरग्रीन, NMM, आदर्श, प्रिया, रामेल, शारदा, रोज वैली, गोल्ड स्टार और दुनिया भर के इस तरह के जो भी स्कैम्स हैं, एस पे, जैन पे, एल्टॉक्स वगैरह, Oxy 300, येलो बिटकॉइन वगैरह, इन तमाम स्कैम्स के संदर्भ में हम तमाम राज्य सरकारों को इसी तरह के मेमोरेंडम सौंपने आरंभ करेंगे ताकि 1 जनवरी 2022 से पहले संपूर्ण देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू होकर स्पीडी ट्रायल आरंभ हो जाए और जिन लोगों की मेहनत की डूबी हुई रकम को ठगों ने हड़पा है वो उन्हें वापस मिलनी शुरू हो जाए, ताकि देश के 20 करोड़ लोगों को, ठगी पीड़ितों को राहत मिल सके, उनकी मेहनत की डूबी हुई रकम उन्हें वापस मिल सके। दोस्तों, इस मेमोरेंडम की कॉपी मैं इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, आप चाहें तो उसको वहां से कॉपी करके
अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मेल के माध्यम से, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या बाई हैंड अपनी अपनी ठग कंपनीज, ठग सोसाइटीज, ठग कॉरपोरेशंस का नाम या फर्म का या जो भी इस्टेब्लिशमेंट ने आपके साथ ठगी की है उनका ब्यौरा दे करके इसको आप अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को सौंप सकते हैं। इससे एक बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। दूसरे साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा ऑनलाइन पटिशन है इस संदर्भ में, उसका लिंक भी इस वीडियो संदेश के नीचे होगा। आप साथियों से अनुरोध है कि उस लिंक पर जाकर उस पटिशन को साइन इन करें, वहाँ कमेंट करें अपना और उसे अपने परिचितों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये आवाज़ पहुँच सके और आपकी व्यथा और पीड़ा को दूर करने में देश की कानून प्रिय, न्याय प्रिय, सत्यवादी जनता आपको सहयोग कर सके। दूसरा साथियों, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप तमाम साथी जो भी ठगी पीड़ित हैं, जिस भी इस्टेब्लिशमेंट ने आपके साथ ठगी की है, आप तमाम साथी इस हमारे न्यूज़ चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज 20 करोड़ ठगी पीड़ित को ज्वाइन करें, मेरी फेसबुक आईडी मदनलाल आज़ाद को फॉलो करें। चूँकि इन चार माध्यमों से ही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, हम ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण मिशन को संचालित कर रहे हैं। और यहीं से हैशटैग पहले भुगतान फिर मतदान को वायरल किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, चलाया जा रहा है। और आने में जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2020 को लेकर के भी इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये अभियान चलाया जा रहा है। अतः तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर हैंडल को फॉलो करें, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें, फेसबुक आईडी को फॉलो करें, और साथ साथ तमाम साथी विधिवत रूप से ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप भी लें, ताकि हम अपने इस मिशन में सफल होकर आप सबकी मेहनत की डूबी हुई रकम को आपको वापस दिला सकें। जय हिंद, जय भारत।